ईद शॉपिंग को टॉप गियर लग गया है। इस वक्त मुल्क भर के बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में खरीदारी जारी है। चांद रात की रौनकों में आपको शामिल करने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदगान भी मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। कराची से हमें अपडेट करेंगे, इस्लामाबाद में मौजूद हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा आमना अली, क्वेटा से हमारे साथ मौजूद है गजनफर अली, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन किया है माविश सुहेल ने। सबसे पहले रुख करते हैं शहर कायद कराची का। फयाज बताइएगा, शहर कायद रोशनियों का शहर कहलाता है, आज चांद रात है, किस तरह की शॉपिंग चल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, वैसे तो रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना है जिसमें लोग इबादत के साथ साथ शॉपिंग सेंटर्स का भी रुख करते हैं और ख़वातीन की जो तैयारियां हैं वो आखिरी लम्हों तक चलती ही रहती है। और चांद रात है, एक रोज़ा और मिल गया, उसके बावजूद शहर के इस लम्हे भी हम तारिक रोड पर मौजूद हैं और इस कदर रश है कि तिल रखने की जगह नहीं है। और हमारे साथ कुछ लड़कियाँ भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, आप ये बताओ क्या ख़रीदा है ईद के लिए, कैसी तैयारियाँ चाहिए? हम लोगों ने खुद से और झुमके ख़रीदे क्योंकि एंड मोमेंट तक तैयारियाँ तो कम्प्लीट नहीं होती, इसलिए हम लोगों ने ये सब परचेज किया और अब हम ये भी परचेज करेंगे टू गो विद द आउटफिट। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों पे क्या कहना चाहेंगी आप? हम लोगों के रिचुअल रहा है कि हम लोग हमेशा चूड़ियाँ और जो ज्वेलरी होती है वो हम लोग चांद रात पे ख़रीदते हैं बिफोर मेहंदी, तो बस उसी रिचुअल को पूरा करने आज हम आए यहाँ पे। देखिए चूड़ियाँ मेहंदी का सिलसिला जारी है, आप ये बताओ गुड़िया क्या खरीदने आए हो, क्या रह गया एंड में? बस चूड़ियाँ वगैरह और मेहंदी लगवाना है था असल में आज, तो बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, रौनक है, बस उसे मेहंदी वगैरह ही लेने आए थे। आप क्या कहना चाहिए, आप भी बताइए? मेहंदी लगवाने ही आए थे, चूड़ियाँ वगैरह लेने आए थे। आप देखिए कि किस कदर लड़कियों को शौक है और इस लम्हे भी इस वक्त जो है वो एक बड़ी तादाद है जो कि कॉस्मेटिक नज़र आती है, कुछ लोग जो है वो चूड़ियाँ ले रहे हैं, कुछ लोग मेहंदियाँ लेती नज़र आ रही हैं। आखिरी लम्हों में भी इन लड़कियों की जो है वो मैचिंग के दुपट्टे रह जाते हैं, पीको का सिलसिला रहता है और इसके साथ साथ ही खाने पीने के जो फूड स्टॉल्स हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत रश देखने में आ रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद शहर के मुख्तलिफ ही शॉपिंग सेंटर्स का रुख कर चुकी है। अगर उनकी बात की जाए तो क्लिफ्टन पे डॉलमेन मॉल है, इसके साथ ही गर्ल्स शॉपिंग सेंटर है। अगर दूसरी जानेब तारिक रोड की बात की जाए तो पूरी रोड पर ही लोग रश लगाकर मौजूद है, जबकि दूसरी जानेब हैदरी हो, सदर मार्केट हो, ये तमाम वो बाजार है जहाँ पर इस वक्त बहुत रश है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। तो कराची में खासी गहमा गहमी है। फयाज आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।